दोस्तों इंजन सीज होने के बाद पूरी कनेक्टिंग रॉड फूट जाने के बाद पूरा ब्लॉक भी जो है फूट चुका है इस इंजन का। और इस इंजन को मैं पूरा डिसमेंटल किस तरीके से किया जाता है, यानी कि शिफ्ट डिज़ायर और इर्टिगा का पूरा इंजन सेम रहता है, तो ये इर्टिगा का इंजन है और इसको किस तरीके से डिसमेंटल किया जाता है आप देख सकते हो कि पूरा ब्लॉक जो है फूट चुका है और डिसमेंटल किस तरीके से किया जाता है इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अभी तक आपने हमारे आईजी गैरेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो लाल बटन आ रहा है उसको क्लिक मार के सब्सक्राइब जो है ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने पूरा का पूरा इंजन जो है डिसमेंटल करने का वीडियो बनाया है। और आपको अगर इसका प्राइस कितना पड़ेगा वो अगर आपको वीडियो जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं इसके बाद जो है आपको पूरा प्राइस, यानी कि इंजन रिपेयर करने का प्राइस जो है आपको कितना पड़ेगा और कौन कौन सी चीज़ों को आपको भाना चाहिए, यानी कि कौन कौन से चीज़ों को आपको रिप्लेसमेंट करना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ों को आपको रिप्लेसमेंट नहीं करना चाहिए, उसका पूरा डिटेल वीडियो जो है मैं आपको आगे वीडियो में भाऊंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको पता लग जाएगा कि वीडियो किस तरीके से आएगा और आपको जो है नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से इंजन का जो है प्राइस आता है और कौन कौन से चीज़ों को जो है रिप्लेसमेंट किया जाता है और कौन कौन से चीज़ों को रिप्लेसमेंट नहीं किया जाता। तो ये जो इंजन है इसको हम लोग डिसमेंटल करेंगे। पूरा वीडियो जो है डिसमेंटल के बारे में है कि किस तरीके से डिसमेंटल किया जाता है इंजन को और हमारे गैरेज में किस तरीके से डिसमेंटल किया जाता है, ये जो है इस वीडियो में आपको पूरा देखने के लिए मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और आप जो है पता लग जाएगा कि किस तरीके से डिसमेंटल किया जाता है इंजन को और किस तरीके से उसको जो है पूरे पार्ट्स को जो है निकाला जाता है।